देखिए आपको हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता था कि जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता था तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता था, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता था तो फंक्शन डिक्रीजिंग खास मान हो जाता था। वर्धमान इंक्रीजिंग को कहते हैं और खास मान डिक्रीजिंग। कोई समस्या इसमें? अब थोड़ा सा समझिए, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स को हम वाई कहते हैं, उसका मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमने प्रवणता पढ़ी थी, इसका मतलब होता है टेन थीटा। किसकी टेन थीटा? ये थीटा क्या है? थीटा वो कोण है जो वक्र के जिस बिंदु पर आप अवकलन निकाल रहे हैं उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचती है, वह एक्स एक्स के धनात्मक दिशा से जो भी कोण बनाएगी वो थीटा होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये फंक्शन जैसे इंक्रीजिंग है, तो इसका कोई भी बिंदु अगर मैं लूंगा और वहां पे एक स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से ये आपका एक्स अक्ष होगा जो भी कोण बनाएगी थीटा, और अगर ये धनात्मक है, भाई एफ डैश एक्स धनात्मक है ना, कब है? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव का मतलब डीवाई अपॉन डी एक्स होता है, ये आप जानते हैं, और डीवाई अपॉन डी एक्स टेन थीटा होता है। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा अब क्योंकि जो हम अवकलन निकालते हैं वो किसी ना किसी बिंदु पर तो निकालते हैं, डेल्टा टेंस टू जीरो। क्यों? अगर दो बिंदु ले रहे हैं, एक एक्स और एक एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स जाके तो एक्स पे पहुंच जाएगा अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ले, और वाई के मान में परिवर्तन इन सब किसके साथ? एक्स के मान में एफ डैश एक्स की डेफिनेशन यही तो होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो। या दूसरे शब्दों में कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा होगा y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस x। कब? जब डेल्टा x जो है वो बहुत छोटा। इसे आप ये भी लिख सकते हो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो f x प्लस डेल्टा x माइनस f x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये बहुत गहराई से समझो, तो एक तरह से ये आ तो यही रहा है ना, y परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, और y में परिवर्तन y x हो गया, x में परिवर्तन x हो गया। ये लंब है, ये आधार है, अगर हम त्रिभुज बनाएंगे यहाँ से तो लंब बटे आधार आएगा। तो थीटा के मान के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये जो tan थीटा है आपके पास, ये tan थीटा प्रवणता को शो करता है। प्रवणता किसी बिंदु पर प्रवणता जो है वो अवकलन होगी, कि यहाँ तो करोड़ों टेंजेंट बन सकते हैं ना, यहाँ पे तो टेंजेंट बन सकता है। हम इस विशेष बिंदु की बात कर रहे हैं, इस विशेष बिंदु P पर हमने टेंजेंट बनाया है, तो इस पर ये टेंजेंट जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स जब हम निकालेंगे इसका मान वक्र का, तो प्रैक्टिकली देखा गया है वो टेन थीटा के बराबर है। तो टेन थीटा अगर ये धनात्मक है देन थीटा का मान जो है वो जीरो से नब्बे के बीच में रहेगा। अगर आप ऐसा देखो ना, पहले चतुर्थांश में टेन कैसा होता है? धनात्मक होता है ना, जीरो से नब्बे तक, और नब्बे से आगे जाते कैसा हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। थीटा का मान जैसे नब्बे से ज्यादा होगा टेन थीटा ऋणात्मक हो जाएगा, और जीरो से कम होगा तो धनात्मक रहेगा। यानी टेन थीटा का मान, थीटा का मान जो है वो जीरो से नब्बे के बीच में अगर रहेगा तो टेन थीटा धनात्मक रहेगा। टेन थीटा डीवाई अपॉन डी एक्स होता है, तो डीवाई अपॉन डी एक्स भी धनात्मक होगा, और डीवाई अपॉन डी एक्स धनात्मक होता है तो फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग। यानी कैसा फंक्शन होता है? वर्धमान फलन होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो कोई फलन अगर वर्धमान है तो उसका किसी बिंदु का अवकलन जब हम निकालेंगे वो जीरो से बड़ा होगा, यानी उस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दोगे तो वो एक्स एक्स से जीरो से नब्बे के बीच में ही कोण बनाएगी। बस समझा, क्लियर हो गया बात? आगे बढ़ते हैं। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ह्रासमान फंक्शन है, यानी आगे की तरफ बढ़ने पर फंक्शन घट रहा है, इसी को तो ह्रासमान कहते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब आगे की तरफ बढ़ने पर बढ़। अब ये बिंदु जो है अगर हम लेते हैं, इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो प्रैक्टिकली आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो
आप आगे बढ़ रहे थे तो फंक्शन यहाँ से यहाँ आने पर नीचे की तरफ जाने लगा, डिक्रीजिंग हो गया। मैंने यहाँ नीचे एक स्पर्श देखा और देखा यहाँ पर थीटा। तो ये जो एफ डैश एक्स था, यानी एफ डैश एक्स तो टेन थीटा के बराबर होता है, तो जहाँ थीटा का मान जो है वो 0-90 से और 180 के बीच आप देख लो, यहाँ पर कहीं भी स्पर्श देखा खींच लो इस पूरे वक्त पे, जो वक्त आपके पास आ रहा है जो डिक्रीजिंग फंक्शन है वक्त दुनिया का कोई भी डिक्रीजिंग, उस पर जब स्पर्श देखा खींचोगे तो वो एक्स एक्स जो कोण बनाएगी वो हमेशा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा। तो इधर की तरफ बढ़ रहा है, इधर की तरफ घट रहा है, तो कहीं जाके जीरो भी तो हो रहा होगा, डेरिवेटिव हो रहा होगा। नहीं मान लेते हैं यहाँ पर अगर मैंने कोई स्पर्श देखा खींची और वो स्पर्श देखा जो यहाँ खींची है मैंने ए पॉइंट पर, ये dy upon dx बराबर कितना होगा tan 0, यानी कितना होगा tan 0, यानी इधर की तरफ यहाँ पे जाते जाते कोई तो स्पर्श देखा होगा जो x से 0 डिग्री कोण बनाएगी, और जैसे इससे थोड़ा सा भी आगे बिंदु लोगे उस पर स्पर्श देखा बनाओगे वो 90 से बड़ा कोण बनाएगा, और इससे पीछे कोई भी बिंदु लोगे 90 से छोटा होगा। यानी इस बिंदु से पीछे जितने भी बिंदु हैं वक्र पर, अगर वक्र इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर वक्र इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम देख रहे हैं कि यहां से आगे जाने पर ये कैसा हो जा रहा है, लेस देन हो जा रहा है, और पीछे जाने पर कैसा रह रहा है, ये पॉइंट रह रहा है। यानी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी, किसी पार्ट में इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल में, किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग, तो कहीं ना कहीं वो जीरो भी होगा। इंक्रीजिंग को हम दूसरे तरीके से समझ रहे हैं कि अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे किसी बिंदु पर इंक्रीजिंग में, तो वह एक्स एक्सिस 0 से 90 के बीच में कोण बनाएगी, और हम अगर डिक्रीजिंग भी खींचेंगे 90 से 180 के, तो कोई ना कोई एक बिंदु वक्र पर हमेशा आपको मिलेगा जहां पर आप एक्स एक्सिस के समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते, और उस स्पर्श रेखा पर अवकलन का मान कितना होगा 0, क्योंकि वहां पर थीटा का मान 0 होगा, तो टेन 0 0 होगा। वही मान जो होगा उसी मान पर उस फलन के लिए मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, या मान लेते हैं कुछ इस तरह का है, अब यहां से अगर यहां पे स्पर्श रेखा खींचे तो ये खींची हमने स्पर्श रेखा, तो ये एक्स एक्सिस से कैसे कोण बना रही है 0 से 90 के बीच में बना रही है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो एफ डैश एक्स कैसा है 0 से बड़ा। तो अगर एफ डैश एक्स का मान पहले पॉजिटिव था और फिर, तो फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स का मान किसी बिंदु से होकर जाते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा, तो वहां पर आप देख रहे हैं फलन का मान सबसे मिनिमम आ रहा है, ये माने तो एफ एक्स ही तो है ये, और जहां पर प्लस से माइनस हो रहा है वहां पे हम देख रहे हैं फलन का मान जो है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है मैक्सिमा और मिनिमा, किसी फलन के लिए मैक्सिमा यानी उच्चस्थ, मिनिमा यानी निम्न, उच्चस्थ या निम्न मान ज्ञात करने हैं। तो एक साधारण मेथड तो ये मिला कि डेरिवेटिव निकालो और एक पॉइंट के पास जाओ, उस पॉइंट से थोड़ा सा इधर डेरिवेटिव निकालो, थोड़ा सा इधर डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव का निशान प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है और बाद में, तो उस बिंदु पर फलन का मान उच्चिष्ट होगा, ठीक है। बिंदु अलग मुद्दा है और फलन का मान अलग मुद्दा है, फलन का मान जो है वो उच्चिष्ट मान है, और किस बिंदु पे उच्चिष्ट मान आया वो एक्स के मान होंगे, समझ आ रही बात, एक्स का इस बिंदु पे मान होगा ना, वो जब एफ एक्स में रखोगे तो एफ एक्स का मान निकलेगा, तो एफ एक्स का जो मान आया वो तो उच्चिष्ट है, और एक्स का जो मान है वो एक्स का वो मान है जिस मान पर फलन उच्चिष्ट होगा। यहां पर हम देख रहे हैं अगर डेरिवेटिव का मान नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो फलन का मान निम्निष्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, ये आपको हो सकता है कि फिजिक्स में समझाया भी गया 100% बिना इसके तो फिजिक्स चलती नहीं है आगे, ठीक है। आज और विस्तार से समझ लो थोड़ा सा, तो मैक्सिमम मिनिमम समझ गए। अब आप देख रहे हो कि इसमें थोड़ा सा आपको कठिनाई महसूस हो। अब मैथमेटिक्स में क्या है, एक टूल बनाया गया कि एक विधि बनाई गई, उस विधि में मैथमेटिक्स डेरिवेटिव की सहायता से किसी भी फलन का मैक्सिमम और मिनिमम आराम से निकल जाता है।
क्या है वो स्टेप? किसी फलन का उचित तथा निर्निष्ठ मान ज्ञात करने के पर। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो ये समझिए जिस बिंदुओं पर x का मान डेरिवेटिव का मान शून्य हो जाता है, x के वो मान जिन पर डेरिवेटिव का मान शून्य हो जाता है, एप्सिलॉन का मान शून्य हो जाता है, वो बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉइंट ऑफ। और जिन पर मैक्सिमम या मिनिमम आता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी कहते हैं। किताब में शब्द का प्रयोग किया उसने, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं कि किसी फलन का उच्च से निम्न मान ज्ञात करने की साधारण विधि जो हम प्रयोग करेंगे हर सवाल में ज्यादातर, वो क्या है? सबसे पहले फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी एफ डैश एक्स ज्ञात। सेकेंड स्टेप है एफ डैश एक्स को शून्य रखकर का मान शून्य रखकर समीकरण हल करके x के मान प्राप्त करें। यानी आप एफ डैश एक्स को रखेंगे शून्य और x के मान निकालेंगे, इस समीकरण में कुछ तो निकलेंगे x के मान। मान लो एक्स का मान यहाँ से ए निकला है फॉर एग्जाम्पल। तीसरा स्टेप एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे तथा एक्स के या एफ डैश एक्स के हल पर, इसके हल तो एक्स के मान होंगे, एफ डबल डैश एक्स का चिन्ह ज्ञात करेंगे। मतलब आपने निकाला एफ डबल डैश एक्स एक्स बराबर ए पर एट एक्स बराबर ए कितना आएगा, एफ डबल डैश ए आएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर जीरो का हल है, एक्स बराबर ए जो था वो एफ डैश एक्स बराबर जीरो का हल था और एक्स बराबर ए पर हमने एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ दो स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी, या तो एफ डबल डैश ए जीरो से बड़ा होगा या एफ डबल डैश ए जीरो से छोटा होगा। तो एफ डबल डैश ए अगर जीरो से बड़ा है तो फलन एफ एक्स का, मतलब निकाल डबल डैश एक्स रहे हैं तो बड़ा पता किसके बारे में रहे, एफ एक्स के, तो फलन एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर मान निम्निष्ठ हो। और अगर यदि एफ डबल डैश ए का मान जीरो से छोटा हो तो फलन एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर मान निम्निम्न उच्च। यानी मैक्सिमा होगा अगर एफ डबल डैश एक्स, जो भी एफ डैश एक्स के जो रूट्स आएंगे निकल के उन पर अगर हम एफ डबल डैश एक्स निकालें, अगर वो पॉजिटिव है तो वहाँ पर मान मिनिमम होगा और नेगेटिव निकल कर आएगा तो वहाँ पर मान कैसा होगा, उच्चतम। ये बात क्लियर हो गई? तो पहला स्टेप है फंक्शन होगा हमारे पास, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, एक्स के मान निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, वो मान उस एक्स के जो है वो डबल डेरिवेटिव में डालेंगे, डबल डेरिवेटिव के मान चेक करेंगे प्लस का है माइनस का, प्लस का आएगा तो माइनस का आएगा तो निम्निष्ठ, उल्टा वर्तन होगा मुझे, प्लस का आएगा तो निम्निष्ठ यानी मिनिमम और पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। क्लियर हो गई बात? अब मैं सीधे उन सवालों पर पहुँच रहा हूँ जो सीधे छः नंबर में, ठीक है, बीच का मेटेरियल बाद में नोट करने की कोई आवश्यकता है नहीं, सब आप इंटरनेट से नोट कर लें, वीडियो बनी रही है।
देखिए प्रश्नावली 6.5 एफ एक्स बराबर 2x-1 का वर्ग प्लस कह रहा बताओ इसका कोई अधिकतम मान या न्यूनतम मान है या नहीं और है तो ज्ञात करो। तो पहली बात तो ये बताओ कि x का मान जितना रखते जाओगे एफ एक्स का मान उतना ही बड़ा आता जाएगा, तो क्या इसका मैक्सिमम मान ज्ञात कर सकते हो? नहीं ज्ञात हो सकता, लेकिन मिनिमम ज्ञात हो सकता है। कैसे? क्योंकि 2x-1 का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, नहीं होगा ना, धनात्मक होगा हमेशा। तो क्लियरली 2x-1 के वर्ग का न्यूनतम मान कितना होगा? शून्य होगा, होगा या नहीं? ठीक है, तो एफ एक्स का न्यूनतम मान कितना आ गया? कितना आएगा बताओ? 0+3। अरे 3 को तो बदल नहीं सकते, तो यही तो बच्चा जो बदल सकता है, क्योंकि x का मान बदलेगा। अब x का मान कुछ भी रख दो, मिनिमम मान इसका 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। तो इसका मिनिमम मान कितना हो गया? 0+3, यानी 3 से कम इसका मान नहीं आएगा। रही बात अधिकतम की, तो अधिकतम तो ज्ञात कर ही नहीं सकते हम। x का मान बढ़ाते जाओगे इसका मान भी बढ़ता चला जाएगा, तो अधिकतम मान ज्ञात नहीं हो सकता, न्यूनतम मान हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स बराबर 9x² + 12x+3 ये दे रखा है, तो इसे ऐसा करो लिख लो 3x² + 2×3x कितना वर्ग 6 और कितना बच रहा है 6×12 2 का वर्ग जोड़ लो, 2 का वर्ग घटा लो प्लस 2 कितना आ गया 3x + 2×-4-2 सेम क्वेश्चन बन गया। एक्स का मान कितने रख लो यहाँ पे तो बढ़ता चला जाएगा, मैक्सिमा का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। तो एफ एक्स का न्यूनतम मान कितना होगा? इसका न्यूनतम मान रखो, इसका न्यूनतम पॉसिबल मान क्या 0-2 कितना है? ये तो हुआ साधारण मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट जो हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम ये वाला जो थ्योरम है इस थ्योरम को इस पर लगाएं, देखते हैं इस थ्योरम से ये वाला सवाल करें सेकेंड में, क्योंकि यहाँ तो हिसाब किताब बन गया, ठीक है, हो सकता कहीं ना बने। एफ एक्स बराबर 9x² + 12x+2 एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 18x + 12 इसे रख लो 0 के बराबर, तो 18x + 12 = 0 तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 12/18 वो भी माइनस का 6×12 = 18 एक्स का मान कितना है -2/3 एफ डबल डैश एक्स निकाल दो कितना आएगा डबल डैश एक्स 18 कैसा है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप एक्स का कोई भी मान रखोगे वो 0 से बड़ा रहेगा, तो एक्स का एक ही मान निकल रहा है एक्स बराबर -2/3 के लिए एफ एक्स का मान कैसा होना चाहिए इस थ्योरम को अगर लगाएंगे तो 18 0 से बड़ा है तो कैसा होना चाहिए मान निम्नलिखित होना चाहिए। तो निम्नलिखित मान कितना आएगा एफ -2/3 निकाल दीजिए 9×-2/3 का वर्ग +12×-2/3 प्लस ये जो भी मान निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। समझ में आ गई प्रक्रिया? कल हम और इसके आगे बताएंगे विस्तार में, आज तो खाली इसकी थ्योरी आप पढ़ के आओ।